एक साल बाद मेरे दिमाग में आई एक बात। मैंने पता क्या ऑब्जर्व किया, मैंने सोचा यार कि एक बच्चा 12th में है, एक बच्चा 12th में है और वो 700 मार्क्स ला रहा है आउट ऑफ 720। जो टॉप करते हैं नीट में, टॉप 10 टॉप 100 में जो रहते हैं ना बच्चे, यदि टॉप 100 में जैसे 100 बच्चों में तुम ये मान लो 70 बच्चे 12th वाले होते हैं, 30 बच्चे ड्रॉपर होते हैं, मतलब अचीवर होते हैं 30 बच्चे, ड्रॉपर का तो रेशो ही नहीं रहता है। मतलब जो बच्चा 12th पास हो के तैयार करने आता है ना तैयारी करने, वो चाहे 99% 12th में लाया हो, उसके सिलेक्शन के चांस तब भी 0.2% ही रहते हैं। तो उसके सिलेक्शन के चांस 12th के साथ नहीं, 12th के साथ वालों का 70% रहता है उनका। मतलब 11th 12th में तैयारी ना किया हो और 11th 12th फिर 12th नॉर्मल 12th पढ़ा हो, 12th में उसने 99% बनाया हो, फिर वो तैयारी करने आएगा, सिर्फ 0.2% चांस रहते हैं, समझना। और नीट में MBBS की सीटें हैं 2.5%। तो जब वो 12th पास करके आए ना, तो उसके दिमाग में बना के रखना चाहिए कि अभी 2 साल तो लगेगा, एक साल में 11th, एक साल में 12th। तो या तो 11th 12th में साथ में कर ले, या तो ऐसे, समझ गई। तो अपने को ये सोचो ना यार, जब ये बच्चा 720 में 700 नंबर ला रहा है, तो उसको पता है एक चीज समझ में आ जाती है, इसलिए वो सारे क्वेश्चन सही कर लेता है। क्या चीज? अपने ज्यादा तेज नहीं रहता, ऐसा नहीं कि दिमाग उसका ज्यादा तेज है। अपन गधे क्या? 90% 80% ला रहे हैं, कहाँ से गधे हैं? अपन 80 90% ला रहे हैं तो गधे थोड़ी हैं, गधे नहीं हैं। बस हम लोग एक चीज सोच नहीं पाते, क्योंकि यदि कोई बंदा इतना भी टैलेंटेड होगा तो इतना भी तो नहीं होगा हमसे ज्यादा। हम कहते हैं हमारे 95 है तो उसके 100 आएंगे, तो हमसे 5 ही% ज्यादा ना हुआ, लेकिन वो यहाँ मार्क्स में कितना ज्यादा हो गया। तो उसको ना एक चीज आ जाता है जो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे अब हम लोग जब क्वेश्चन करने जाते हैं ना, तो है हमारे दिमाग में पहले कुछ नहीं रहता कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्या है, कुछ नहीं रहता। जैसे यदि कोई रटा है तो अच्छी बात है, नहीं रटा तो सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो जो क्वेश्चन करता है बोलता है करते जाते हैं, जो जो क्वेश्चन बोला करते जाओ करते जाओ, लास्ट में आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कॉपी से मिला लो, क्या गड़बड़ की, एक बार क्रॉस चेक कर लो। तो ये तब होगा जब तुम लोगों को क्वेश्चन पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे देखो मैं हर बार सबको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये तुम्हारा एम है, जहां तुम जाना चाहते हो, ये तुम हो। तुम यहां से यहां तक जाने के लिए कम से कम 1 लाख रास्ते ढूंढ सकते हो, नहीं ढूंढ सकते? यहां से यहां तक जाने में 1 लाख रास्ते ढूंढ सकते हो, जितने चाहो उतने रास्ते ढूंढ सकते हो, क्लियर? ये समझना, ये तो मैंने शॉर्ट में बताया। अब ये तुम हो, तुमको मान लो दिल्ली में MG मॉल जाना है, समझना। यदि तुमको दिल्ली का MG मॉल का रास्ता पता है तो सीधे उतरोगे रेलवे स्टेशन, वहां से टैक्सी करोगे, बोलोगे हमको यहाँ जाना है और चले जाओगे। कब? यदि तुमको रास्ता पता है, लेकिन सेकंड कंडीशन तुम्हें दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तुम अपने घर से निकल गए, यहां से तुम निकल गए, ठीक है, तुमको दिल्ली जाना है, तुम अपने घर से निकल गए, चलते जा रहे चलते जा रहे, तो चलते जा रहे चलते जा रहे, दिल्ली ही नहीं आया तो MG मॉल कहाँ से आएगा? दिल्ली क्यों नहीं आया? क्योंकि हमको पता है कि दिल्ली जाना है, लेकिन कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़ना है, पता चले तुम दिल्ली 3 दिन निकल गए, यहाँ से 3 दिन हो गए टीले ही घूम रहे हो, समझ गए? तो यदि अपने को यहाँ का एकदम फिक्स चीजें नहीं पता है तो हम नहीं जा पाए। सुनो, तुमको MG मॉल के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब तुमको जैसे ये है, ये हमारा क्वेश्चन सही होगा तभी तो हम एम में जाएंगे, तुमको क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन इसका एड्रेस पता था, तो तुम सीधे पहुंच आइए देखो एक ही रास्ते से। तुमको यदि दिल्ली में MG मॉल के बारे में चीजें पता हैं तो तुम यहां से सीधे चले जाओगे, नहीं पता तो घूमते रह जाओगे।
8 साल हो गया, पहुंचे ही नहीं अभी। आ यदि पता है तो एक बार में पहुंच जाओगे। तो पहले पता करना सीखो। देखो सिलेबस मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, कोई सा भी तुम मेरे को चैप्टर बता दो। अभी देखो पूरा थर्मोडायनामिक 5-10 मिनट में होगा ना रिवीजन, ये वाला रिवीजन प्लानिंग तुम लोगों को सबको आता है। पर्टिकुलर जो एक बार मेरे से पढ़ लियो, सबको थ्योरी याद है, सबको थ्योरी पता है, लेकिन अभी क्वेश्चन लेके बैठोगे तो नहीं होगा। पूछो क्यों? मैं तुम लोगों को फिर से बोलता हूँ, नीट में सिलेक्शन के लिए 100% नॉलेज नहीं चाहिए, 80% नॉलेज सफिशियंट है, लेकिन 100% तरीका चाहिए। 80% नॉलेज सफिशियंट है। यदि आपके फिजिक्स के 32 में से 30 में से आप 10 टॉपिक फिजिक्स में एकदम छोड़ दो, छुओ ही नहीं, केमिस्ट्री के 5 टॉपिक छोड़ दो एकदम छुओ ही नहीं, बायो तो चलो पूरा कर लो, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ से नहीं रुकेगा, क्योंकि वहाँ 10 टॉपिक हैं ऐसे जो किसी काम के नहीं हैं, 5 टॉपिक ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं हैं। तो अब तुम लोग ना सोचो ना, 300 स्कोर करने में दिक्कत होती है, 400 स्कोर करने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? हम क्वेश्चन पढ़े, होता है ना ऐसा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, हम पता है ये चीज़ें, तभी गलती होती हैं। जैसे तुम लोगों का ये वाला चीज़ इम्प्रूव होगा ना, ये मार्क्स अपने आप 500 पहुँचेंगे, 500 600, फिर 500 600 के बाद जो नंबर आएंगे ना, वो तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड करेंगे। यदि तुमको 500+ क्रॉस करना है तो फिर तुम्हारा ये हो जाना चाहिए, 100% नॉलेज हो जाना चाहिए, 80% तुम्हारा मतलब लक और ये सब, मतलब जो भी है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा यदि 500 तक तुम पहुँच गए, अब 500 के ऊपर जाना है तो फिर नॉलेज चाहिए। तो अभी तो अपन यहाँ नहीं पहुँचे ना, अभी हमको क्या करना है, मतलब सीखो ना, ट्राई तो करो, जब क्वेश्चन किया करो। अभी कैसे ट्राई करोगे? 5 दिन 10 दिन बहुत प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन जब करते हो ना, ऑप्शन छुपा दो, क्या करो, ऑप्शन छुपा दो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जब पूरा क्वेश्चन करो, जब तुम्हारे पास ऑप्शन पहले भी मत देखो, जैसे पेज पलटे ना पहले छुपा लो, अपने आप में ईमानदार रहो ना कि यार हमको ऑप्शन नहीं देखना, ऑप्शन पूरे छुपा दिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पूरा स्टेप देखो कहाँ गड़बड़ हुआ, ठीक है, फिर देखो तुम्हारा जो आंसर आया ऑप्शन में वो आंसर है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो 2 × 10³ तुम्हारा आंसर आया और ऑप्शन में 2000 है, तो कोई फर्क नहीं है, फिर मतलब सही हो। कभी कभी तुम्हारा केजी में है आंसर, ग्राम में है, तो सही हो, लेकिन यहाँ से मिलता जुलता नहीं है तो फिर दोबारा ट्राई करो, कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करो। जब ना बने तो फिर एक बार आंसर देखो कि ये आंसर था, वो आंसर लाने का प्रयास करो। तब भी ना हुए तो फिर या तो टीचर से पूछो, या नेट से सर्च करो, या कहीं उसका सलूशन देख लो। जब तक क्वेश्चन पढ़ना नहीं आएगा, तुम कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, तुमको मैंने अभी नोटिस किया ना, देखो ना, मैंने उसके इसके पहले मोल के पहले क्या करवा रहे थे, केमिकल इक्विलियम और केमिकल काइनेटिक और आयनिक इक्विलियम। हर एक क्वेश्चन कराने के बाद तुम लोगों को ईजी लग रहा था, जैसे मैंने बता दिया सोल्यूशन उसका आ गया, उसी का है ना। जैसे मैंने मतलब इसके पहले जितने क्वेश्चन तुम लोग कराए थे ना, क्वेश्चन कराने के बाद सारे आंसर तुम लोगों से बन रहे थे, समझ में भी आ रहा था, लेकिन उसी टाइम यदि दूसरा टॉपिक का आंसर दे तो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा? अब यहाँ पे किसकी गलती है? देखो मतलब यदि तुमको कॉन्सेप्ट आ गया, सेम टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, डाटा चेंज कर दिया, थोड़ा इधर उधर कर दिया, तो नहीं बनेगा। और एक चीज़ और बता दूं, जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं, लेकिन जो एलएन के मेजर और माइनर टेस्ट पेपर हैं वहाँ से ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि नीट इतना बड़ा एग्जाम है कि पेपर तो रिपीट करेगा नहीं, क्वेश्चन रिपीट करेगा नहीं, तो वो चीज़ें हमने को जो एलएन के पेपर देता हूँ ना, ये ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर वाले। प्रीवियस ईयर से हमको क्या है कि कहाँ रिपीट करता है नीट में, कुछ ना कुछ चेंजिंग करता है, लेकिन जो कोचिंग्स वाले होते हैं ना, वो उनके चेंजिंग को ऑब्जर्व करते हैं। वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि 2017 में क्वेश्चन कैसे आया था, 2018 में क्या चेंजिंग किया, 2019 में क्या चेंजिंग किया, तो वो चेंजिंग जो होती है ना उनको देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये चीज़ ट्राई करो, थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करो ना, घर में ट्राई किया करो अपना ये चीज़ें, मतलब 5 क्वेश्चन। आप पता है तुमको यदि कभी नोटिस किए होगे, फुल कॉन्फिडेंस में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यदि कोई क्वेश्चन सही हो जाता है ना, तो उतने टाइम बहुत अच्छी फीलिंग आती है।
कोई क्वेश्चन मेरे को मैं बहुत अच्छे से याद है, जब मतलब इम्प्रूव करो, नहीं तो देखो सिलेक्शन नहीं होगा जब तक ये चीज़ें नहीं होगी ना। मतलब पहले क्वेश्चन मेरे कहने का मतलब कि जैसे देखो यहाँ पे जैसे थर्मोडायनेमिक चल रहा है, यदि तुमको थ्योरी आती है पीछे बैठ के क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन करते रहो, लेकिन इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मिस हो रहे हैं। अभी नहीं, अभी तो मान लो वैसे मैं 1 घंटे में खत्म कर दूंगा तो 1 घंटे में तुम रिविजन नहीं कर पाओगी, लेकिन जब कभी पूरा डिटेल टॉपिक चले ना तो कुछ नहीं करना। अचीवर में क्या होता है, एलएन में जब हम लोग अचीवर में कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ यही होता है, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं पीछे रो में बैठते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं क्वेश्चन, उनको पता रहता है कि आज सर जैसे मान लो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में उसका डाइपोल मूवमेंट वीक है, तो क्या करेंगे वो पीछे बैठ के पूरा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर अटेंड करेंगे, क्योंकि थ्योरी उनके दिमाग में रिफ्रेश होती रहती है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे जितना जल्दी टीचर उससे थ्योरी को रिविजन करवा देगा, खुद से नहीं हो पाता। खुद से यदि तुम नोट्स निकाल के बैठोगे पढ़ने तो 4 घंटे 5 घंटे हो जाएंगे एक चैप्टर खत्म होने में, होता है ना। तो यदि वही चैप्टर कोई टीचर रिवीजन करवा रहा है ना, रिवीजन क्यों मस्ट है, टीचर से रिवीजन क्यों मस्ट है, क्योंकि जो तुम 5 घंटे में पढ़ोगे ना वो हम लोग 1 घंटे में करवा देंगे। तुम्हारा 4 घंटे सेफ हुआ, 1 घंटे में तुम्हारी पूरी थ्योरी हो गई, 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब तुम घर में क्या करोगे, 5 घंटे तुमने थ्योरी किया, उसके बाद जब क्वेश्चन उठाने बैठोगे तो बोर हो जाओगे, 2-4 क्वेश्चन करोगे दूसरा टॉपिक उठा लोगे। यही हो रहा ना तुम लोगों के साथ, मेरे साथ तो लीडर में यही होता था, लेकिन अचीवर में मैं समझ गया था। अचीवर में हम लोग ऐसे करते थे, मोर देन क्वेश्चन क्लास नहीं कर देते थे, बैठे बैठे सर अपना पढ़ा रहे हैं, अपन लोग पीछे बैठ के क्वेश्चन कर दिए। तो जब थ्योरी आती है अभी मैं शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास से याद रखना। जैसे देखो सेमी कंडक्टर